हेलो हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हाँ दासगुप्ता, जी बोलिए बोलिए। जोनी बात कर रहा हूँ, काला जठेड़ी भाई की तरफ से। रंगदारी बोलिए। के लिए फोन करे तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। कोई दुकान नहीं करी, वो तेरा पैसा कमा रहा था। सर जी आप आके देख लीजिए। पूरी मार्केट, पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज़ हो तो चीज़ होगी ना। अपने आप को बताया, मैं DTC में कनेक्टर रहा हूँ। कनेक्ट से मैंने दुकान जो शुरू की है, मैं कनेक्टरी नौकरी करता हूँ। पैसे तो तेरे पास है, सर जी अगर पैसे हो तो सारे ले लो। सर जी पैसे हो सारे ले लो, मेरे पास हो। हाँ कर्जे की लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँ। किसी पे फ़ोन कर लेना, जिस नंबर फ़ोन करोगे उसी पे कहेगा हाँ मुझे आकाश से पैसे लेने हैं, ये मेरी गारंटी है। आप कहो तो मैं PDF फाइल भेज देता हूँ, उसमें किससे पूछ लेना कि आकाश के आपके पैसे जमा है। बोले हाँ पैसे जमा है। मैं पैसे ले लेके उनका फिर ज्वेलरी बना बना के देता हूँ, आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा। मुझे करीब करीब मार्केट में 1,20,00,000 रुपये देने हैं, और आपको आकाश भाई भेज दो, मैं भेज देता हूँ। अगर एक भी बंदा कह दे कि पैसा नहीं है तो आप जो करना मेरे साथ कर लीजिए। सर जी मैं आपको PDF फाइल नहीं सर जी सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने तेरे पास। नहीं सर जी, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए। जो है मेरे दो बच्चे हैं, एक वाइफ है और मैं हूँ, और कोई भी अपना नहीं है। मेरा भाई है वो मेरे से अलग रहता है, पापा थे मेरे एक्सपायर हो गए, अब मम्मी मेरे साथ रहती है। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। भाई जी मैं कहाँ से करूँगा पैसा? पैसा हो तो मैं पैसे पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो तेरे को देने सर जी, पड़ेंगे। सर जी जिसके सर पास जी फोन चल गया सर उसको जी पैसे देने पड़ेंगे। सर जी मेरी बीवी है, बच्चों से बात कर लो जो चीज है। सर नहीं, सर, नहीं नहीं सर मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं सर, सहारा नहीं। आप देखेंगे ना दुकान पे आके, मैं और मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, हमने बहुत छोटे से शुरुआत की है। ऐसा नहीं है कि मैं सर जी डीटेल में कनेक्ट नौ की रात में आइडेंटिटी कार्ड भेज देता हूँ, जिसमें मेरे 6,200 रुपये सैलरी मिला कर दी थी। मैं दुकान खोली है, मैं आपको कार्ड भेज देता हूँ। सर जी मैंने और मेरे पति ने बहुत छोटे से दुकान की, हमारे पास ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों की कसम खा के कहते हैं हमारे पास ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप आके आपको कर्जे की लिस्ट वो भेज देता हूँ, बैंक के लोन के वो भेज देता हूँ, और कोई हो जो फिर आप चाहे वो कर लो। आप जिस नंबर फोन करो वही कहेगा हम मेरा पैसा आकाश से ले लो। आपको लोन की लिस्ट भेज देते हैं जो हमारे बैंक में लोन रखा, और पैसे की लिस्ट भेज दो। सर जी जो चीज आपने जिसने गलत वो दी है तो उससे बंदा बोलो हो तो आप जो चाहे वो कर लो। सर जी सारी वो चीज है आपके लिए। पति मेरे सर प्लीज थोड़ा समझिए। सर आपको तो मैं रिपोर्ट भेज देता हूँ। हम दोनों खुद मेहनत करते हैं, कोई हमारा अपना नहीं है। दुकान बीवी मेरे साथ में बैठती है और मैं बैठता हूँ। अगर इतना ही पैसा होता तो मैं ऊपर आराम से बैठती, दुकान पे मेहनत नहीं करती। बता दिया दोस्त, जिसके पास फोन चलेगा उसको पैसे तो देने ही पड़े, पैसे ऊपर नीचे हो सकते लेकिन सर प्लीज। और जी हमारे पास सर जी थोड़ा समझने की कोशिश करो। सर मैं पूरा दिन बैठती हूँ अपने पति के साथ। आप दुकान पे कभी देख लो, मेरी बीवी और बच्चे साथ में मिलेंगे, बच्चे भी दुकान पे रखती हूँ क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं है जो उनको देख सके। आप नीचे आके दुकान पे देख, कभी किसी को भेज दो भाई दुकान पे देख, क्या बीवी बच्चे बैठे कि नहीं बैठे हैं। दुकान पे आएंगे तो चोटे मार के जाएंगे, ऐसे खाली थोड़ी जाएंगे। सर जी वो तो आप जो के वो चीज वो करेंगे, पर सर जी आपको मैंने सारी बात बता दी है। सर प्लीज सारी बात का जोड़ मैंने तेरे को बता दिया दोस्त अपना, जहाँ तक तेरे को भागना है पुलिस का सहारा लेना, किसी का ले ले, जितना पुलिस के पास भागेगा। पुलिस का ये मामला है दिल्ली का, तेरे को पता होगा, सब न्यूज देखते हैं। तो सर जी मेरे पास हो जब दूंगा, मैंने आपसे सारा बता दिया, मैं आपको पूरी लिस्ट भेज देता हूँ। आप मैं जो कह रहा हूँ आप आके कोशिश करो, जिसके पास फोन चलेगा उसको देने पड़ेंगे। पुलिस के पास जाना, पुलिस के पास चले जाओ, पुलिस आज तक किसी को नहीं बता पाई है, और मैं तेरे को बता देता हूँ पुलिस के पास जाएगा वो भी लेंगे, हम भी लेंगे। सर जी देखो मेरे पास तो कोई और चारा है नहीं, मैं किसी को हेल्प किसकी लूँगा? मेरे पास ना तो कोई भाई है ना कोई बदमाश है, मैं आपसे को करा लूँ? मेरे पास कोई सहारा हो तो बताओ मेरे पास। सर जी हमारे साथ
साथ कॉर्पोरेट कर, हम तेरे साथ सर जी जब सर समझिए सर थोड़ा सी हो तो मैं करता, मेरे पास नहीं है गुंजाइश, तो मैं आपसे जब तो हेल्प कह रहा हूँ। आपने कहा मैं अपनी लिस्ट भेज देता हूँ पूरी, नहीं नहीं जो भी है जिसने भी नंबर दिया गलत वो दिया आपके लिए, आपको लिस्ट भेज दूं जिससे पैसा, कोई बंदा कह दे हाँ पैसा नहीं है तो आप कह देना भाई आकाश तेरी ये लिस्ट झूठी निकली, तेरे पास कोई 1.25 करोड़ रुपया कर्जा नहीं है ना, फिर जो चाहे वो कर लेना आप। सर कोई ना ठीक है, अपना सोच ले विचार ले, तेरे अपना टाइम है तेरे पास, एक दो दिन का सोच ले विचार ले क्या करना है। सर जी मैंने आपसे बोल दिया, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास नहीं है, मैं सारी आपको चीज बताई दी आपको, होता तो मजबूर करता। सर प्लीज थोड़ा सा समझिए सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। हेलो सर समझिए प्लीज। हेलो हाँ सर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं नौकरी करता हूँ, आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, अब मैं जाके नौकरी छोड़ अपने काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, एक रुपये जोड़ रहे सर, मैं डीटी से नौकरी 6,200 में लगा था, फिर 10-12 बजे मैं जॉब नहीं छोड़ी, बीवी बच्चों के साथ काम करता हूँ, जब 2 पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जिसने आपको दिए गलत इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने भी गलत नहीं दिया, सब ने दी, नहीं नहीं जो भी दिया आपको, मैं आपको पूरी चीज भेज रहा हूँ, कैसे यकीन दिलाए आपको, आप बोलो भाई ऐसे यकीन दिला दो वैसे मैं कर देता हूँ, मैं खुद बैठती हूँ दुकान पे, मेरी बीवी बच्चे आपको दिन में 2 बजे के बाद, मेरे बच्चा 1:30 बजे आया तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ नीचे रहते हैं, आप देखो सब नीचे मिलेंगे, हम 3 जने हैं बीवी बच्चे और मैं, पैसा होता तो उनके लिए आया रखते, हम खुद दुकान पे नहीं बैठते, दुकान क्यों बैठता है, बीवी को अपने अकेले बैठते तो क्या पैसे बचेंगे, जो 2 पैसे बीवी साथ में बैठती है,